हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुशा क्लासेस, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर जेई एंड नीट फिजिक्स। लेट्स मेक द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ फिजिक्स परफेक्टली स्ट्रीमलाइन एंड स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो सेशन में जिस न्यूमेरिकल को मैं डिस्कस करने वाला हूं वो बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, और ये न्यूमेरिकल NTA ऐप से लिया गया है, नेशनल टेस्ट अभ्यास, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऑथराइज्ड ऐप है। वहां पे आपको काफी क्वालिटी न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं न्यूमेरिकल्स में से एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे आप, और जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपको एक पार्टिकल के बारे में बताया गया है जिसका मास 10^-3 kg, चार्ज 1 कूलॉम बताया गया है, और ये भी कहा गया है कि इनिशियली एट t=0 वो पार्टिकल रेस्ट में था, और उसी टाइम पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्टेंस में आता है। E0 sin ωt i cap, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। आपको E0 और ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, और आपसे पूछा गया है कि सब्सिक्वेंट टाइम में इस चार्ज पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड क्या होने वाला है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। तो ये जो अपना फोर्स आ गया, इट इज QE, तो Q into E की वैल्यू मैं यहां से लिख रहा हूं, विच इज E0 sin ωt। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपका फोर्स है वो एक वेरिएबल फोर्स है, ये टाइम के साथ चेंज होने वाला फोर्स है। तो इस वजह से अगर आपको वेलोसिटी के बारे में कोई भी बात करनी है तो आप इस फोर्स को एक्सेलरेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे, और आप लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। नाउ फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, और चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में था। अब आगे आइए, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग यहां से लिख सकते हैं, इट वुड बी QE0 sin ωt/m। नाउ एक्सेलरेशन को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में dv/dt लिख सकते हैं, तो चलिए ऐसा ही करेंगे। तो एक्सेलरेशन की जगह मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt, और ये इक्वल है QE0 by m sin ωt के। अब हम लोग dt को RHS में ले जाते हैं, और वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सो आई हैव dv = QE0 by m sin ωt dt, और अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं। QE0 by m एक कांस्टेंट है, इसीलिए इसको आप इंटीग्रेशन के साइन के बाहर रख सकते हैं। एंड लिमिट्स के बारे में आप बोलेंगे कि एट t=0 द वेलोसिटी वाज 0, एट एनी जनरल टाइम t आई जस्ट वांट टू नो माय वेलोसिटी v, सो एट t=t लेट द वेलोसिटी बी v। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, और इस साइड आपके पास है QE0 by m sin ωt का जो इंटीग्रेशन है वो -cos ωt/ω हो जाएगा, और आपके पास लिमिट 0 to t है। चलिए लिमिट्स डाल के देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। आपको मिल जाएगा V = -sin, हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, -QE0 by m ω को भी बाहर निकाल लिया, cos ωt के जगह मैंने एक बार cos ωt ही डाला, और उसके बाद अपने पास 0 डालना है, सो -cos 0। इसको अगर आप एक स्टेप सॉल्व करते हैं तो आपके पास v की वैल्यू आएगी QE0 upon m ω, माइनस साइन है, और ये जो वैल्यू आ गई cos ωt -1 आ गई। अब इस माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं, और फाइनली हम लोग v की वैल्यू लिख सकते हैं QE0 by m ω into 1 minus cos ωt।
और अब अगर मैं यहां से वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं तो मुझे कॉस ओमेगा टी की मिनिमम वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और कॉस ओमेगा टी की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। सो लेट्स से वी मैक्स विल बी इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा इंटू 1 माइनस -1। सो 1 माइनस -1 इज 2 एंड आई विल से 2 क्यू ई नॉट अपॉन एम ओमेगा। ये आपकी मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू है। चलिए अब इसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास सारे वैल्यूज दिए गए हैं, इन सभी वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूं और मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। आई से 2 क्यू के जगह 1 कूलम, ई नॉट इज अगेन 1, मास इज 10^-3 एंड ओमेगा इज 10^3। सो +3 -3 10^0 1 × 1 1, सो एवरीथिंग इज 1, ओनली 2 इज हियर। सो 2 m/s इज द मैक्सिमम स्पीड दैट डिस्चार्ज पार्टिकल कैन अटेन। सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही फंडामेंटल न्यूमेरिकल है जिसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स से लिए गए हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, और दोनों ही कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से फ्यूज करके ये न्यूमेरिकल बनाया गया है। आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए यह न्यूमेरिकल काफी फायदेमंद रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस एक्सप्लेनेशन से काफी कुछ सीखा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं ऐसे ही वीडियोज लेकर आता रहूं, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।